What a coincidence. Where are you going with those bags? On vacation? Oh, hi, buddy. You won't believe this. I was taking some supplies to the Woodlands when my car broke down. It looks like you're going in the wrong direction, buddy. Look, I will give you 2,000 coins if you just let me go. You know, there's a big difference between two of us. I'm not a rat. Experiment 626. नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग? और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर तहे दिल से। यहाँ पर फ्रैंक नहीं है। फ्रैंक कहाँ गया? ये बंदा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये धोखेबाज है। फिलहाल एल्डर का मिशन है कोई, तो देखते हैं क्या है। क्या हुआ? ओ माय गॉड, तभी तो मैं बोलूँ कहाँ गया ये। वो फ्रैंक का बच्चा हमारी सारी सप्लाई लेकर भाग गया और वो साइंस बेस की तरफ जा रहा है, यानी कि हमें उसका पीछा करना होगा। देखते हैं कहाँ गया। मुझे उस पर शुरू से ही यकीन नहीं था, मुझे पता था कि ये धोखा देगा, लेकिन इस तरह से धोखा देगा मुझे पता नहीं था। चलो पीछा करते हैं उसका। ओके, वो साइंस बेस एंट्रेंस की तरफ गया है, फिलहाल मुझे उसका पीछा करना होगा। ये क्या है? फ्रैंक ऑन द वे। What a coincidence. Where are you going with those bags? On vacation? Oh, hi, buddy. You won't believe this. I was taking some supplies to the Woodlands when my car broke down. It looks like you're going in the wrong direction, buddy. Look, I will give you 2,000 coins if you just let me go. You know, there's a big difference between two of us. I'm not a rat. आजा फिर, सबको अपने जैसा ही समझता है क्या? मुझे पैसे देकर अपने साथ मिला लेगा? जान पर खेल कर सारा सामान देकर आया हूँ मैं, और तू चोर कहीं के ऐसे ही निकल जाएगा और मेरी नज़रों में नहीं आएगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक भैंस के, ओ माय गॉड, शॉटगन देकर घूम रहा है खेलते फ्रैंक। इस फ्रैंक के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं आज मैं। तेरी भैंस की आँख, रुकना एक जगह। ओ माय गॉड, रुक रुक, हाँ रिलोड कर रहा है। मार 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 मार, अरे मिस नहीं होने दे रहा है। ओके, ये तो अच्छा हुआ कि इसकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई और मुझसे बहाना मर रहा है कि ये वापस लेकर जा रहा था, जबकि इसकी डायरेक्शन तो उल्टी है। बच्चे, ये तो हमें पता है कि ये कहाँ जा रहा था, ये तो अपने आप सच बन रहा था, सच्चा बन रहा था। रुकता रुकना एक जगह। ओ माय गॉड, इसका हेड में यार स्नाइपर से ना बहुत मुश्किल हो रही है मुझे। एक तो यार हाँ ना, और फिलहाल मेरी अभी गन चेंज करने वाली हो भी गई है यार, क्योंकि इसका डैमेज बहुत कम हो गया और मैंने यहाँ तक कि मैंने कोई इसके अंदर अपग्रेड भी नहीं किया, जिस कारण ऐसा हो रहा है। ओके, बस अभी ख़त्म होने ही वाला है, तुझे तो मार ही डालूंगा। मैंने बोला था ना कि अकेला मिल, कहीं फिर तुझे बताऊँगा, और आज वो मौका मिला है मुझे। भाई यार, लेकिन ये ना पीछे पीछे क्यों भग रहा मेरे? ओके, अब वो ना, ओह माय गॉड, ज़ॉम्बीज आना शुरू हो गए क्योंकि गोलीज की आवाज सुन रही। Please help me. You can't leave me here to get eaten. Sure. I'll cover you from the car. ये हुई ना बात, जैसे को तैसा, जैसा तूने मेरे साथ किया अब तू भुगत, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। अलविदा मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन, धोखेबाज फ्रैंक। ओके नाइस, तो मैंने दो मिशन इसके लिए थे तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। मैंने सोचा थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा तो अच्छी बात है। फ्रैंक को ख़त्म कर दिया और अब सभी सप्लाईज मैं लेकर आ चुका हूँ वापस। क्या और कोई मिशन है मेरे लिए? डिस्ट्रॉय दी बेस एंट्रेंस। ओके, तो अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि हम बहुत करीब आ चुके हैं इन सभी मिशंस के, वुडलैंड्स के मिशन के। क्योंकि आपको नहीं पता तो हमारा मैप सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, आगे हमें दो चार जगहें और घूमने को मिलेंगी। फिलहाल अपना ये मिशन कंप्लीट करते हैं। ओके, मुझे जो ये साइंस बेस है इसको तबाह करना होगा, यानी कि इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
क्योंकि यहाँ हमें वो नहीं मिला जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जो सभी एक्सपेरिमेंट्स हुए, किन्होंने किए, कैसे किए, वो हमें यहाँ जाने को नहीं मिला है। उल्टा यहाँ पर तो सारे के सारे जॉम्बीज भरे पड़े हैं, और वो भी ऐसे वैसे जॉम्बीज नहीं, म्यूटेंट, जिनको खुद तैयार किया गया है अपने हाथों से। अरे जॉम्बी नहीं दिख रहा कोई भी। ओके, ये है कंट्रोल रूम, यहीं पर हमें वो डिमांड देनी होगी। ओह माय गॉड, ये कौन? एक्सपेरिमेंट 626। अरे बाप रे, एक्सपेरिमेंट 626। लेकिन ये आजाद कैसे हो गया वहां से? अरे ये वही है जो बड़ी बोतल सी हरी में बड़ा हुआ था। ओ तेरी, अरे यार ये तो बॉस फाइट हो गई अचानक से। आज दो फाइट, वो भी बॉस फाइट है अचानक ही। रुक रुक रुक, हेड में मारने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि डैमेज वहाँ पर ज़्यादा पड़ेगा। अगर मुझे पता होता कि यार अभी फाइट होने वाली है तो मैं ज़रूर अपग्रेड करता पेपर को, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं फंस ही चुका हूँ तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओह माय गॉड, ये थूक रहा है यार। यार ये बच्चे मुझे पसंद नहीं है जो इसके साथ में आ जाते। ओह माय गॉड, पड़ी यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिलहाल काफ़ी एमओ है मेरे पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हटना। एक बात ये अच्छी है कि ये बिल्कुल स्लो है, इसका जो साइज है बहुत ज़्यादा बड़ा है। रुक, खाओ तुम लोग तो। ये लोग एक और, इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए ये भाग नहीं पा रहा और मेरे निशाने पर अच्छी तरह से आ भी रहा है। क्या बात है, भाग यार। ओ माय गॉड यार, ये तो बहुत ज़्यादा है। वो झापड़ दिया वो। ओके ओके, ये बच्चे साथी में मर गए इसके खुद ब खुद। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ये क्या कोड है, ये क्या चीज़ था? कुछ नहीं है, मेन कंप्यूटर है ये साइंस लैब का, और मुझे ऑटो डिट्रैक्शन को ऑन करना है। और जॉम्बिस, हाँ मुझे पता है जॉम्बिस, जॉम्बिस बोल रहा हूँ, इसका जो पासवर्ड है वो देना है, मुझे पता है जो सबसे लास्ट वाला पासवर्ड है वो देना है। और एक और पासवर्ड देना होगा जिससे कि हम दरवाज़ा खोल पाएँ, ताकि हम यहाँ से भाग पाएँ, क्योंकि पिछली बार मैंने गलती करी थी तो भाई सब गलत हो गया था। अभी नहीं, अभी तो मुझे पता है ना कि कैसे है, पिछली बार जब मैंने गेम को खेला था। ओके, यहाँ का भी मुझे पता है तो ये भी खुल गया। अभी क्या करना, सीधा बाहर चलना है यहाँ से, ताकि जब ये डिस्ट्रॉय हो तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ, वरना मेरा पापड़ बन जाएगा। ओ माय गॉड, आगे से भी आ रहा है यार, ये लैब भरी पड़ी है बिल्कुल, तभी तो मैं बोलूँ। ओके निकल निकल निकल, इसको मार देता हूँ ना अभी, फिलहाल मुझे कुछ रिसोर्स वगैरह मिल जाएंगे। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, ये डिस्ट्रॉय होने वाली है बेस, चलो निकलो। ओके, तो सारा काम स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल फट गई। और ओह माय गॉड, ये धमाका देख रहे हो, क्या ये बॉम्ब फिट करे हैं क्या अंदर इसके? मुझे समझ नहीं आया ऑटो डिट्रैक्शन का जो भी मोड है। ओके, फिलहाल मैं वापस आ चुका हूँ, अभी बात करता हूँ एल्डर से, कुछ रह गया हो तो बताइए मुझे। ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि वहीं से सारे म्यूटेंट निकल कर बाहर आ रहे, तो फिलहाल अभी ये जो वुडलैंड है वो सेफ हो चुका है, लेकिन मुझे जो है अपनी मंजिल को पाना है, अभी अपने जो रास्ते है उस पर चलना होगा। अभी मुझे स्प्रिंग फील्ड नाम की एक जगह पर जाना है, दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर मेरा मैप जो है खुल चुका है, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं अभी मुझे स्क्रीन फील्ड जो है वहाँ पर जाना है। हमारे वुडलैंड में मेरे 12 मिशन थे, तो आगे हमारे 51 मिशन होने वाले हैं, 51। बहुत अच्छा है, फिलहाल अभी डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो जब होगा तब आगे का एपिसोड बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखो यार, ये कोई बंदा नया आया है फिलहाल, ये सामने जो साइंटिस्ट दिख रहा है ना, ये पहले नहीं था पिछली बार। ओके, लेकिन देखता हूँ क्या कहना चाहता है ये। ओके तो ठीक है, इसने एक टाइम एक होल खोला है, यानी टाइम मशीन जैसा कुछ बना रखा है इसने, और ये साइंस बेस में जाने के लिए बोल रहा है मुझे फिलहाल। और वहाँ पर हमें क्या बोला कि टाइम में पीछे जाकर सब ठीक करना होगा जैसे ये गड़बड़ हुई थी। तो ये रहा वो टाइम पोर्टल, देख रहे हो कितना खतरनाक लग रहा है। ओह माय गॉड, ये कहाँ आ गया मैं?
अरे ये तो साइंटिस्ट है जो कि वो 626 ऐसा ही कुछ था जो उस वाले मॉन्स्टर को बना रहे हैं या यहाँ पर बना रहे हैं। और ये वो बड़ा वाला नहीं, ये छोटे वाले हैं जो कि वो आसपास वो दीवारों पर चिपके हुए ना वो। तो ये सारी की सारी इन्हीं की करामात है करी हुई जो कि आज दुनिया भुगत रही है। ये साइंटिस्ट के बच्चे कुछ ना कुछ अलग करते ही रहते हैं और सारी एक ना एक दिन ये सारी दुनिया को मरवा कर ही मानेंगे, जैसा कि ये इस गेम के अंदर हमें दिखाया गया है। ओके फिलहाल मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ से ये इंजेक्शन उठाने हैं। पता नहीं अभी ये क्योर हैं या फिर कोई वायरस के इंजेक्शन हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी। अच्छा मुझे सिरिंज को चेंज कर देना है ताकि यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कुछ हद तक फेल हो जाए इनका। अच्छा अपना काम हो गया। फिलहाल मैंने को दिखा क्यों नहीं मुझे अभी समझ नहीं आया। तुम्हारे आसपास घूम रहा मेरे भाई लोग, क्या मैं समय यात्रा करते करते गायब होना भी सीख गया? ओके अभी कहीं और जाना है मुझे, अपना पोर्टल का टाइम जो सेट करना पड़ता है। अभी फ़िलहाल करंट लोकेशन में आ गया हूँ, शायद करंट नहीं है, वही लग रही है मुझे तो। ओके यहाँ डायनामाइट रखा हुआ, क्या करना है इसका मुझे? हैक द टर्मिनल। अच्छा ये वाला, ओके ये मीडियम है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ओ यहाँ पर तो ये ज़ॉम्बीज़ घूम रहे, लेकिन उस वक्त में ज़ॉम्बी कहाँ थे? शायद मैं अपने ओरिजिनल टाइम लाइन में आ चुका हूँ मुझे लग रहा है, हो सकता है ऐसा ही। यहाँ पर ये ले, ये क्या हिसाब किताब है, क्या ऐसा करने से ठीक हो जाएगा? ओके सामने से भी आ रहे हैं। ओ ये खा। अबे यार कई बार हेडशॉट लगता नहीं है भाई, बहुत बुरा लगता है वैसे तो। चलो यार जल्दी से मिशन करते हैं अपना कंप्लीट, क्योंकि ये तो बच्चे हैं ऐसे ही आते रहे। यार कर क्या रहा हूँ मैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। प्रिपेयर द बीट फ्री एक्सपेरिमेंट 626, ये क्या लिख रखा है इन लोगों ने, कैसे मिशन है जी वो? एक्सपेरिमेंट 626 जो है मैंने उसको मार तो दिया अभी, लेकिन वो वहाँ से आज़ाद कैसे हुआ और यहाँ से कंट्रोल रूम में कैसे आया ये अभी तक नहीं पता चला ना। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ये टाइम पोर्टल का सवाल है ना, यहाँ पर जो टाइम मशीन की बात आ गई है तो ऐसा कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या दोबारा लड़ना पड़ेगा मुझे इसके साथ? नहीं, लेकिन ये तो खाली पड़ा हुआ है। आ गया, क्या करना क्या है मुझे? ऊपर तो नहीं है क्या कुछ? ओके यहाँ कुछ ऑप्शन आ रहा है पुट का, रखना है कुछ। ओ ये तो ये लाशें हैं कुछ, और यहाँ पर ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। फिलहाल 8 ज़ॉम्बीज हैं, इनको मारना पड़ेगा। ओके कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ चारा टाइप में यहाँ पर कर रहा हूँ। ओ माय गॉड ये कौन है? अब पीछे से क्यों आ रहा है, सामने से आना यार, बहुत टाइम लग रहा है ऐसे तो। ये इकट्ठे हो जाओ तुम लोग। ओके अभी क्या करना है? पुट डाउन द डायनामाइट एक्सपेरिमेंट 626। ओके देख लेता हूँ मैं अभी, फिलहाल मेरे कुछ ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा कि ये कैसा मिशन है। ये देख लो ये वाले बना रहे हैं वो लोग जो मैं बोल रहा था दीवार के साथ चिपके हुए। ठीक है ये बाहर एंट्रेंस का, बाहर जो एग्जिट का दरवाज़ा यहीं से है। ये देखो ना ये रहा देखो ये वाला बोल रहा है ये यहाँ पर था, वहाँ कैसे गया? क्या मैं इसको आज़ाद करने वाला हूँ? मुझे लग तो रहा है यार, बैक फॉरवर्ड। ओके तो ये सारा का सारा कांड मेरा ही किया जा रहा है। अच्छा तो इस ज़ॉम्बी को जो इस म्यूटेंट को वहाँ जाने तक का मैंने ही सहारा किया ताकि ये यहाँ पर चला जाए, लेकिन क्यों यार? ये सब इस बुढ़े ने मुझसे करवाया है ताकि मैं उसको मार सकूं वहाँ पर, उसको मेरे ही हाथों से छुड़वाया और वहाँ पर पहुँचा दिया ताकि जो पिछले टाइम का बंदा है वो जाकर उसको मार दे। अच्छा भाई कुछ ऐसा सीन था। तो ठीक है भाई लोग, कैसी लगी वीडियो यार बताओ, अगर अच्छी लगी तो कमेंट करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करो मेरे यार। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलता हूँ कल किसी और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। My life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die.
even tripping, cause I just chose to believe.